بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجده عون اللقاء فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی یا مولاتی یا سیدتی اغیثینی یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ. حاضرین مجلسی جتنے شرکا محبان مریض نے بیماراں دی شفا یابی واسطے جتنے بے اولاد نے اولاد نرینہ واسطے ایک صلوات مل کے سارے صحبان اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنی اپنی یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حاضرین مجلس اپنی اپنی شرعی حاجات دی قبولیت ساڈے سکاؤٹس دے نوجوان جتھے جتھے ڈیوٹیاں تے کھلوتے نے انہاں دی سلامتی دی خاطر بانی مجلس ذاکر شبیر بھائی ناصر عباس تے تکمیل مقاصد اور وسعت رزق دی خاطر صلوات مل کے پڑھو سارے سارے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لمحہ لمحہ ذکر شبیر دا بہت قیمتی ان لمحات شامل فرماؤ اپنے اپنے مرحومین مشن ولا و آزاد شہدا بانی مجلس بھائی جان دے خاندان دے جتنے مرحومین چلے گئے تمام دے سال ثواب بلندی درجہ تسکین ارواح دی خاطر درود مل کے بلند آواز. اللہم صلی علی محمد. آخری دعا اس دور دے دکھان دی بہت بڑی دوا ہر پریشانی دی سب تو بڑی پناہ گاہ ساڈی ہر عزائی محفل دی ماں حاصل دعا کثیر مجمع اول و آخر مومنین مومنات سنی شیعہ وہی مل کے واجباً ایک صلوات امام زمانہ دی آمن و سلام. اعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا صاحب الحسین صلوات. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات. محترم حاضرین و سامعین بزرگان شرف علاقہ سادات عظام میرے قابل احترام سنی شیعہ صاحبان میرے نبی دا دین سلامتی اور امن دا دین ہے فرقہ واریت اور دہشت گردی دا دین دین اسلام نہیں. المسلم من سلم المسلمون بیدہی و لسانہی
मुसलमान की तारीफ है जिस दे जुबान और हाथ तो बाकी महफूज रहन वह वड्डा मुसलमान। मेरा नबी जड़ा दीन लैके आया है उस विच मुहब्बत ते नफरत नहीं, उस विच गले मिलन दा नां दीन है, गले कटन दा नां दीन नहीं। तो फिर आज 1400 साल के बाद असी दुनिया के सामने टेररिस्ट क्यों हाँ, मशहूर क्यों, दहशतगर्द हो गया, जबकि मेरे मुस्तफा दे दीन च छड़ी मारन दा हुक्म नहीं, किसी नूं सोटी ना मारो, उस दीन च बम ब्लास्ट क्यों हो रहे जी। इहदा मतलब है कसीर मजमे ऑन एयर मजलिस जा रही है, किसी हकदार तक पैगाम पहुँचेगा नौतकाले। इहदा मतलब है असी दीन मुस्तफा छोड़ के दीन मुल्लां दे पैरोकार हो चुके। मौलवी दे दीन च दहशतगर्दी है, मुस्तफा दे दीन च सलामती है। असी मासूम की अमानत गैरे मासूम कोलों लैन लग पए, जिथों की शह है ही असी उथों लैनी छोड़ दिती। असी इत्तबाए रसूल छोड़ के इत्तबाए मुल्ला भी चले गए। नबी का फरमान है कि सदका दियो सदका बलावां खा जांदा है, सदका बलावां खांदा है, मुल्ला सदके खांदा है। बहुत मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। असी छोड़ चुके, कोई सुन्नी भाई बैठा है खुदा वास्ते तवज्जो करे, मजलिस ए शब्बीर दिल दुखाण दा नाम नहीं, हक पहुँचाण दा नाम। और मैं 25-26 साल मिंबर दी गदागरी जाकरी चो इस नतीजे ते पहुँचिया, शब्बीर दी मजलिस दा तल्लक मजहब नाल नहीं, अकल नाल। साहिबान अकलो शऊर दे दरवाजे ते दस्तक है, जाकरी है ही शऊर दा बूआ खड़काना, कोई खोले ना खोले उसकी मर्जी जी। मैं जनाब तक फिक्रे पहुँचाना चाहना कि शब्बीर दी मजलिस सुन्नी शिया बन के ना हो, गदा गर्ग बन के आओ जी, कशकोल खाली नहीं जाएगा जी। क्यों असी दहशतगर्द मशहूर हो गए? इंटरनेशनल सफर करने शब्बीर के जिक्र के हवाले नाल साडे पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं जी। हकीर और मशकूक नजर नाल सन वेख्या जाता, क्यों साडे नबी का दीन ऐसा नहीं। इहदा मतलब है नौता कल असी दीन नबी छोड़ गए, दीन मुल्लां दे पैरोकार हो गए। मौलवी को दीन लेंगा तो तेरा नबी तेन अनपढ़ देगा जी। यंग जनरेशन पूरी तवज्जो, दीन मुल्लां विच नौज बिल्ला आमिना दलाल अनपढ़ है, भेड़ बकरियां चरा रहे ने। जिबरील आया पहली वही लैके, इकरा बिस्मे रब्बे कल्लज़ी खलक, सरकार फरमा रहे ने मैं अनपढ़। बकौले मौलवी उम्मी हूँ, उम्मी का तर्जमा अनपढ़ किया गया। मर्जी तेरी है दीन कितों लेना है, मुल्ला कोलों पूछेगा नबी अनपढ़ है, आ रसूल को पूछिए या रसूलुल्लाह तुसी अनपढ़ो, नबी फरमा रहे ने आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। तुहाडे हाथ सलामत भाई, तुहाडे हाथ सलामत भाई, मेहरबानी भाई मेहरबानी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेहरबानी जी, या अली बहुत मेहरबानी। नबी दे दीन च मुस्तफा शहरे इल्म, मौलवी दे दीन च नबी अनपढ़, कितू लेना चाहना ले ले। फरमेंदे ने मैं शहरे इल्म, अली उसका दरवाजा है, उस शहरे इल्म दे दर दा नाम अली है। हुण पता लगे नात खां की लिखे, सारे नबी तेरे आए हाय हाय दर के सवाल ही। नाकाम जी साड़ी गौरमेंट है, उन्होंने भी सामियां कड़ियां ने प्राइमरी स्कूल दे टीचर वास्ते जी, एप्लीकेशन चाहिए जी। मैं पी नजाके शाह जी मालिक सेहत नाल जिंदगी दराज फरमावे ने, वेलाओ आजाद हवाले नाल बहुत बड़ा बेलोस नाम, तादेर साया सेहत नाल मालिक है मुदैन जी। उन्हें भी क्वालिफिकेशन में यार रखे जी, प्राइमरी स्कूल टीचर वास्ते सामियां खाली ने, दरखास्त दियो मेयार की है, बीए बीएड तालीम हो, डिग्री होल्डर हो तो वह साडा टीचर लग सकते। पंचायत बैठी है सुन्नी शिया नाल गरज नहीं, तेरे शौर नाल बहस है, उस पढ़ाना की है प्राइमरी स्कूल दे बच्चों, अल्लाह फनार बे बकरी पढ़ाएगा, पे पंखा ते तख्ती पढ़ाएगा। मैं हैरान हाँ, इन्हां नूं पता है बे बकरी पढ़ाने वाला अनपढ़ नहीं होना चाहिए, तो जिस कायनात का टीचर मुस्तफा नूं बना के भेजा उस अनपढ़ भेज दिता। तुहाडे हाथ सलामत भाई, तुहाडे हाथ सलामत।
बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। कितों लेना चाहना दीन? मासूम की अमानत ही किसी मासूम को लै, गैर मासूम कियास करेगा। और याद रखना, जिस मजहब कियास हो आले मुहम्मद का मजहब नहीं। कियास गैर मासूम करते ने, मासूम नहीं करते। अगर मुला को दीन लेंगा नौज बेला वह तीन दसेगा जी मेरा नबी तो हलीमा का दुध पी रहा जी, ना दा रदीफ और काफिया याद नहीं, मैंने शेर का वजन याद नहीं, नसरी जाकरा मेरा है शोभा भी नहीं, लेकिन उसका लुबे लुबा मैंने याद है। झूम झूम के मौलवी नाद पढ़ रहा है, साढ़े नबी पा की जड़ी नरमी और हलीमी सी, नौजबिल्ला हलीमा सादिया दे दुध का असर आई। हर जुमला हर बंदे वास्ते नहीं आता, किसी का चेहरा वेखांगा कौन कितने पहुंचे। इदा मतलब है मुला ए ते मानना फिर जेड़ा जेड़ा जेड़ी जेड़ी मां दा दुध पींदा रहा उदे विच उदा असर हाई। हाय हाय हाय, मैं सदके भाई, मैं सदके जी, मैं सदके जी। कलमे बाद ही पड़ी वे ने, पहले तो फिर काफर ही सान लै। यहूदी पिया देने जी साडा मूसा और कुरान च भी नहीं है जी, दरबारे फिरौन च नहीं किसी का पीता। मैं हैरान हाँ मुला की तू यंग जनरेशन दीन आगाही की शऊर दे रहे जी। फिरौन नजूमिया दसियान करी बनू इसराइली बच्चा पैदा हो रहा है जरा तेरा तख्तो ताज शाही गर्क कर देगा, तेरा दुश्मन होएगा, तेरी तहस नहस कर देगा। उस आख्या एक मिनट हिसाब फिर करो, वो बच्चा पैदा हो चुका है या जे होना है? उन आखिया जी इस घड़ी तक अजे नहीं होया, अजे होना है। हो सके ठीक है हो ले हाँ अगे होना ही है ना, मैं जिंदा रान दिता ते तान। बाबू जी एडे सोने माहौल च मैं जुमला आखा, चौदहवीं सदी का मुला तेरे नालों अपने दौर का काफर फिरौन अच्छा ही, जेड़ा नजूमिया दे आखे ला के यकीन कर गया ही बनू इसराइल एक नबी आएगा, तू कियो जा मुसलमान है, तेन मुहम्मद आखे मेरी नस्ल चो महदी आएगा। हाय 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 हाय, मैं सदके मैं सदके, बहुत मेहरबानी। उस जनाब औरतों की एक कबीना बना दी, पूरे शहर फैल गई, दिन रात बनू इसराइल दियां औरतों चेक कर रही ने, सुबह भी रात में 70,000 बच्चा इस कतल करा दिता, 70,000 बच्चा कतल कराया गया मूसा अलैहि सलाम के शुबे च। ये मुतमईन बैठे है पैदा होवे हमें जिंदा छोड़ने नहीं, उधरों उसके अमर दे जहूर का वक्त आ गया, जनाब मूसा अलैहि सलाम का जहूर हो गया। बच्चे दे रोण की आवाज आई, पड़ोसन जाके शिकायत ला दी थी, पूरा शहर बच्चों का दुश्मन है जिन्हों के अपने नहीं रहे, वो किसी का कितने वेख सकते हैं। उन्हें आखिया फिर हूँ साडा मरवा ये भी मरवा है, हूँ मैं वेखे वे हाथों से बच्चा है। उस भेजे उन्हें आके चेक की लंबा वाक्य है, उन्हें आके वेख्या दरवाजा खड़किया हमशीरा ने जनाब मूसा अलैहि सलाम की कुलसूम मादरे मूसा, आख्या भाई संभालो आगे नहीं कतल कर लगे तंदूर है वेड़े, जनाबे कलसोम लाया गया उन्होंने बेचारा कि उत्ते ढकन देती था कोल खलो के वेड़े दाखिल होए। तू कौन है? फरमाए मैं बेटी हाँ, यह मेरी अम्मा ने। उन्हें आखिया जी तुम इसकी माँ हो? फरमाए हाँ। तुहाडे अलावा इतने कोई मजदूर है? फरमाए नहीं मैं ही हाँ। तुहाडे अल कोई बच्चा भी है जी? नबी की माँ झूठ से बोलना नहीं। इतने कोई बच्चा भी आया? फरमाए वेख लो चेक कर लो, तुहाडे अलावा तो कोई नहीं थे? फरमाए ना। वो एक दूजे ने वेख कर दें टुर चलीए, अगर ये माँ है ना तो फिर किसी झूठ बोले है। अगर 70,000 मावा से वेख चुके हैं जिद एक दिन का बच्चा हो इंज होंगी हो? उन्हें क्या है ही कोई नहीं। फिर उन्होंने जाके रिपोर्ट उन्हें आख्या गलत इतला है, किसी गलत झूठ बोले उ बिल्कुल सारे विलादत ही को नहीं। ये बाहर निकले ममता तड़पी कुलसोम जी अम्मा भाई कितने? अम्मा मैं तंदूरी छुपा दिता, वो मैं मर गई तंदूरी च। उत्थे तो हुणे हुणे महल्ले दी औरतां रोटियां ला के गई, ममता तड़पी दौड़ी मादरे मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह इन्हें लिखे मुर्रखीन। जिले जाके वेख्या तंदूर तू ढक्कन हटाया, एक दिन का मूसा अंगारिया नाल इंज पे खेलदा है जिवें बच्चा गुलाब दे फुलां नाल खेलदा है। मैं सदके भाई, मैं सदके भाई, मैं सदके चा लिया हा ना ला लिया।
ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਅੱਥਰ ਮਾਦਰੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਪਏ। ਵਈ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਰੁੰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਦੀ ਤੰਦੂਰਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖੇਡੇਗਾ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਦੂ ਮੈਂ ਤੰਦੂਰਾਂ ਹੀ ਛੁਪਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤਰਸੋਂ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਮਾਸ਼ ਦੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਦੇਣ ਦਿਓ ਮਾਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਮਾਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਕਿਸ ਮਾਰਨਾ? ਉਹ ਜੇ 70,000 ਅੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲ ਆਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਬਦਲਣਾ। ਅੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਖੇਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲਿਆ। ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ। ਲੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਬੂਬੀਅਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਅਗਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਫਿਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਹੀ ਨਾਲ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸਲਾਮਤ ਬਾਈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸਲਾਮਤ ਬਾਈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸਲਾਮਤ। ਪੁੱਤਰ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 'ਚ, ਬਹੁਕਮੇ ਖੁਦਾ ਦਰਿਆ ਨੀਲ ਦਿਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਲ ਦੀ ਬੈਕ ਦੀਵਾਰ ਦਰਿਆ ਨੀਲ 'ਚ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਡ ਬਣਾਇਆ ਬਾਲਕੋਨੀ, ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਸਦੀ ਬੀਵੀ ਬੈਠੀ, ਆਸੀਆ ਬਿੰਤੇ ਮਜ਼ਾਹਮ, ਜ਼ਨੇ ਫਿਰਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਪਾਇਆ ਮਸਤੂਰ, ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਚੁਨੀਦਾ ਚੰਦ ਮਸਤੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜੁਮਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫਿਰਾਉਣ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਆਸੀਆ ਮੋਮਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਤਨਾ ਬੜਾ ਫਿਰਾਉਣ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਆਸੀਆ ਉਤਨੀ ਬੜੀ ਮੋਮਨ ਹੈ। ਮੈਥੀ ਇਹ ਦਰਿਆ ਨੀਲ ਦੇ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਬਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਤੈਰਾਕ ਨੂੰ ਟੋਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੰਦੂਕ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵੀ ਜਨਾਬੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਚਾ ਲਿਆ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਵੈਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਮਾਲਕਾ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਜਰ ਫਿਰਾਉਣ ਦੇ ਘਰ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਸੀਆ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮੋਮਨਾ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਾਲਕਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾੜੀਆਂ, ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੋਮਨਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੇ ਹੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਹੋ ਯਾ ਲਾਮੋ ਹੈ ਸੋ ਯਾ ਜਲ ਰਿਸਾਲਤ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਿਕਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸੀਆ ਬਿੰਤੇ ਬਜ਼ਾ ਹਮ ਮੋਮਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰਾਉਣ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰਾਉਣ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਮੂਸਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਖਿਡਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰਾਉਣ ਕਾਫਰ ਏ, ਕਾਫਰ ਨਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਏ, ਨਬੀ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਫਰ ਨਜਾਸਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ? ਅਨਕੁਮੁਰ ਰਿਜਸਾ, ਨਜਾਸਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆਵਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਆਸੀਆ ਮੋਮਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੀਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੂਸਾ ਆਉਣਾ ਹੀ, ਚਾਣਾ ਆਪ ਹੀ, ਖਿਡਾਉਣਾ ਆਪ ਹੀ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਆ ਪਾਉਣਾ ਹੀ, ਇਹ ਕੰਜਰ ਕਾਫਰ ਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ, ਮੂਸਾ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇਤਨਾ ਮੌਤਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਫਿਰਾਉਣ ਜੇ ਕਾਫਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਜੇ ਕਾਫਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ? ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 'ਚ ਜਨਾਬ ਆਸੀਆ ਚਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਸ਼ੇਡ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਥੇ, ਉਸਦੇ ਮਹੱਲ ਸੇਨੇ ਤੁਰੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਾਉਣ ਦੋ ਨੰਬਰ ਖੁਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਿਆ। ਐਂ ਚਾਹੇ ਹੈ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਮੂਸਾ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਖੱਬਿਓਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੇ ਕੰਜਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਸ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਦਰਿਆ ਨੀਲੀ ਰੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਬਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਕੜਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਫਿਰਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗੀ ਯਾਦ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਰੱਖੇਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਆਖਣਗੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਵੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਾਰ ਖੋਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਆਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ
करीब कर हाथ जनाब आसिया दिन हो सके वेख लै हो सके होना हो ही है क्यों इदी वेखनी बच्चेली नहीं इसनों मैं कतल करावे करावा सोना माहौल है यकीनन कोई समझेगा हो सके जलाद आवाई दा सरतन तू जुदा कर उत्थे खलोते आसिया मूसा अलैहि सलाम ने चाहे ते अख परत के फिर उन्हें वेख दी खबरदार कतल कराना मैं रखना ही ते मैं रखना ही कच्ची दा मजमे जे कोई खिताबत समझे ते मैं रखना ही ते मैं रखना ही आख्या ना रखना उस अखला रख ले तुहानु को नहीं समझ आई जेडे शादी शुद हो तुहानु विचू विचू आ गई समझ जिन्हां दी नहीं हुई तुहानु भी समझ आ गए मनवाण ते आवण ते मनवा लैंदियां ने घर आला भावें फिराओ नहीं क्यों ना हाय 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 मैं सदके भाई मैं सदके उस आख्या मैं रखना ही ते मैं रखना ही बोलो हैदरिया उस आख्या चल रख लै ते पर ही रखी नू ए वैसे वेखदा नहीं मेरे अल ठीक उस आख्या ठीक है लै भी जा उस आख्या लै जानी है खलोती क्यों है उस आख्या दी खुराक का इंतजाम दुध शुद्धा हूँ तुम जुमला नहीं समझोगे क्योंकि ये ना फीडर आया मार्केट च ना निपल हूँ तो अम्मा जी दो हफ्ते ना भी होने पिछे गुजारा उस आख्या दुध शुद्धा इंतजाम हो पागल हो गई है मैं कितों करा हाय 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 पोला जहा मुस्कुरा क्या दिए तो तू खुदा नहीं खुदावां दा काम है सदके वा खुदावां दा काम रिज्क देना ही है ना काम एक बच्चे का भी हो सके कर लें कर लें चुप ऊंचा नहीं बोली दा मुअल्लन बुलाया मुन्नाद बगैर साउंड दे एडा गला उदा वे वो स्पेशल ऐलान करने वाला हो सके पूरे मिसरी फिर वही ऐलान कर जितनी औरतें बच्चों को दूध पिलाने वाली मेरे मोहल्ले च आ जाओ मेरी बीवी परदेसी बच्चा गोदी ले लिया माँ का नहीं पता जिदा दुध पी जे वो पूरे खानदान का खर्चा बजिमे हुकूमत नानो नफका सारा साढ़े जमीन ऐलान हो गया गुरबत का जमाना है कैद का दौरे बीबियां मनता मन के टुरियाँ कदी साडा पी जे पिछले सौखे हो जाए जी बयान मेरा तमाम हो गया दरबारे फिरौने सुबह तो लैके डीगर तक कपड़े च लिपटे त्रै दिन का मूसा एक एक औरत परदे पिछे जाती है वेरियल वेखोगे तो ज़्यादा समझ आएगी खब्बे हाथ से मूसा है सज्जा हाथ औरत परदे पिछे जाके कमीज़ नू पाँदी इरादा कर दी मैं कमीज़ उत्ते करा इथों ही मूसा बोल जाते हैं मेहरबानी कमीज उत्ते ना करी ना मैं वेखना ही ना मैं मूह लाना ही बोली भाई इज्जत मुस्तफा ही बोल सकना ते बोली मेहरबानी ना मैं वेखना ही ना मैं मूह लाना ही मैन पता है हलाल की है हराम की है जायज की है नजायज की है कौन है मूसा अलैहि सलाम इज्जत एहतराम रुतबे नु सलाम लेकिन मेरे नबी तू परा परा बहुत हजार हा साल का लंबा सजदा किया है मेरे नबी आलम लाहौत सजदा करके सर चाया पेशानी नबुवत पसीने दे कतरे हैं आमिना दे लाले इंज करके कतरे सट्टन लगे ने आवाज कुदरती जबरील पर थले कर ए कतरे संभाल नबी पैदा करांगे मूसा कौन है मेरे मुस्तफा दा पसीना नबी मेरे मुस्तफा दा नौकर नबी दीन कितू लेना चाहना है मुल्ला कलूं या मासूम कलूं ओ प्यादे जी नबी पाक हलीमा दा पीते हैं मूसा मेरे नबी दी रैयत है शब्बीर दी मजलसी बह के फैसला करके उठ कबर तनहाई या मौत यकीनियां माशर सख्ती जिंदगी मशकूकी आमिना दे लाल नु मुंह विखाणा मूसा रैयत हो के दरबारे फिरौन च गैर औरत दी थंज नहीं पिया पींदा मुहम्मद सरदार हो के हलीमा दा किवें पींदा रहे गो हलीमा दा किवें बेटा मैं सदके फैसला कर दीन कितू लेना चाहना मुस्तफा दा दीन मासूम को लेना चाहना या गैर मासूम को एक बार जी छोटा जहा वाक्य दो अढ़ाई मिनट लग जाएंगे जी मैं सुनाना चाहना चार पाँच साल पहले मैं यूरोप नॉर्वे का वीज़ा ही शेंजन वीज़ा होंगे 35-36-37 मुल्क ने फिर सारे 21 वीज़े तो तुम जा सकते हो यूनान तो मैंने फोन आया मैं फ्रांस आई उन्हें आख्या जी बाबा जी आए हो मजलस पढ़ दियो मैं क्या पढ़ देना उन्होंने टिकट भी दी मैं जनाब वीकेंड से चला गया मजलस पढ़ी उन्हें आख्या शाह जी स्वाद बड़ा आया
कभी अगले संडे इतने ही हो, मैं इतने ही हूँ, फिर पढ़ देंगे हो, मैं क्या पढ़ देना, लेकिन मैं टूर वापस जाना जी। उन्होंने आख्या जी असं टिकट भेज देंगे, अगले संडे फिर मैं उतरा इतने एयरपोर्ट पर, मैं समान लैके बाहर पर निकलना जी, अजय एयरपोर्ट के अंदर हाँ जी, लगेज लिया मैं बाहर पर निकलना, तो दो सिविल कपड़े यूनानी बंदे जी वो मेरे सजे खबे हो गए ने जी, यू आर मिस्टर इकबाल शाह, मैं कही सही हाँ, मैं लगा मैं जाकर ही एडा वा ये यूनानी शुनानी मैंने जान देना, मैं आहो मैं ही इकबाल शाह। उन्हें होर कोई गल की मैंने समझ आई ये गड्डिया वाले ने टैक्सिया वाले ने मैन गड्डी ऑफर कर रहे हैं, जिमें असं एयरपोर्ट तो निकलने जो साड़ी मैंटैलिटी एशियन की, मैं समझिया ये गड्डी छड़ी आ, मैं क्या नॉन टैक्सी, थैंक यू मेरे फ्रेंड आए ने दोस्त लै जाएंगे। उन्हें फिर कोई गल आखी, मैं क्या यार डोंट डिस्टर्ब मी। तीजी बारी मेरा तरह बाबा नजाक शाह जी उस वे लिखा, जिस वेल उन्हें जेब चो कार्ड कटे उन्हें आख्या वो यार पुलिस, अच्छा बशे माशाल्लाह जी, एक सलवार भेजो जी आले मोहम्मद की जात, मालिक करीम सफ़े अदा कबूल फरमावे, बिस्मिल्लाह या रसूल अल्लाह अलिया, मेहरबानी जी मेहरबानी, साइम की जिंदगी होवे सेहत नाल बख्त और इज्जत इस तो मालिक ज्यादा ताफ़ तशरीफ फरमाओगे, लो जी मैं मुकाउन लगा जी, डर भी लगता है भाई जक ढेर सारे ने, थोड़ा भी नहीं पढ़ना फिर पढ़ाना भी है जी, जो वर्तन हो जी भांजी हो जी, अल्लाह इस तो ज्यादा इस तरह ताफ फरमावे जी। ओ जनाब उन्हें आख्या हम पुलिस हाँ पुलिस, जिस वे उन्हें आख्या ना पुलिस हाँ, मेरा तरह निकल गया, मैं शाबाश मैं तो टैक्सी वाला समझ आई, उन्हें क्या साइड त्यों हाँ चैकिंग करा, कसम खुदा दी नौतक आया उन्हें सब तो पहले मेरा बैग खोल के एक एक कपड़ा चैक किया, कदी ना चैक कर दे अगर मैं हिंदू हों, मैं मुसलमान हाँ जी मुसलमान हाँ, असी टेररिस्ट मशहूर हाँ, पासपोर्ट मैं क्या जी हलो, उन्हें वेखे उन्हें आख्या पासपोर्ट तेरा ठीक है, वीजा के नंबर है, लो जी मैं हैरान हाँ कितना सानू वाच कर रहे हैं, उस पिछले संडे भी आया है, मैं क्या यस आई एम, उस अज फिर आया है, एक वीक ही दो दो बारी तू क्यों आ रहा है, मैं क्या जी मेरा वीजा जी है वैलिड है मैं आ सकना, मेरे दोस्त ने उन्हें मैंने बुलाया, करना की है, मैं क्या मैं अपनी कम्यूनिटी में परीच करना, मैं मजहबी आदमी, उन्हें आख्या यू आर पीर जी, बिल्कुल जी तू पीर है, मैं क्या नहीं जी पीर इंज होंगे ने इंज समार्ट अली वलीउल्लाह वाले होंगे, हाय हाय मैं सदकिया जी, मैं क्या मैं तो पीर है ही नहीं, उस आख्या तू पीर है, मैं क्या जी नहीं पीर तो नहीं, करदा की मैं क्या मैं अपना मजहबी हवाले नाल प्रीच करना, उन्हें आख्या फिर पीर है तू, मैं क्या मैं पीर नहीं, कौन है तू, मैं क्या मैं जाकिर, उन्हें आख्या जाकिर कौन होंगे, मैं क्या जाकिर जाकिर होंगे जरा मजलस पढ़ता, उस आख्या मजलस की होंगी, मैं क्या मजलस होंगी, हूँ जितनी कोई मैं आ रही इंग्लिश मैं उन्होंने समझा रहा लेकिन वो मुतमिन नहीं हो रहे मेरे, दूसरा आदमी उस आख्या एक मिनट मैं दस पाकिस्तानी, मैं क्या आई एम पाकिस्तान, मुस्लिम मैं क्या आई एम मुस्लिम, उस आख्या मुस्लिम है फिर इतने तू करना की, मैं क्या मजलसा पढ़ना, उस आख्या पढ़ के वहा की कर, हूँ जे मैं उनका काजी वसीम अब्बास इतने मैं हथ रखा नहीं तो या अली जोड़ी जी भी वो भी कम साडा कोई नहीं, उन्हें आख्या करके विखा तू की करना है, मैं क्या यार वो घंटा डेढ़ लग जाना है, तुम यूट्यूब पर मेरा ना लिखो, उन्हें आख्या नहीं साढ़े सामने लाइव कर, मैं क्या भाई मैं गल्लां करने हाँ, मैं अपनी कौम नू प्रीच करना, असी करबला दे बारे, उस ओके 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 करबला हुसैन हुसैन आए हाय आए हाय आए हाय, मैं सदके भाई मैं सदके भाई मैं सदके भाई मैं सदके अल्लाह तुहाडे हाथ सलामत रखे भाई, ओ तू करबला जिंदा जिंदाबाद, मिलके बोलो हैदरी, उसे क्यों क्यों के करबला हुसैन हुसैन एन उसकी था हुसैन हुसैन, मैं कह यस उसे ओके थैंक यू यू कैन गो, उन्हें पासपोर्ट दिता उन्हें कह जाओ जी
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਬੜਾ, ਹੁਣ ਛੋੜਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਦੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੜੇ ਗਰੋਹ ਨੇ, ਮਜਲਸ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਊਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੋ ਬੜੇ ਗਰੋਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ। ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਨੇ, ਟੈਰਰਿਸਟ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਜੈਕਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਰੀ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਦੀਨ ਮਾਸੂਮ। ਔਰ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਤਾਈਦ ਕਰਨਗੇ, ਯੂਰਪ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਟੇ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਆ ਬਣਦੇ ਜੇ ਜੀ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਜੇ ਸ਼ੀਆ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਜਿਤਨੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਆ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਮੁੱਲਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਬਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਆ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀਉੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ? ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਭਾਈ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦਹੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰੁਲ, ਇਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਰੁਲ ਗਏ, ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦਹੀਆਂ ਵੀ ਰੁਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋਵਾਂ, ਵਰਨਾ ਮਾਂ ਜੀ 73 ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੈਕਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮਾਂ, ਈਜ਼ੀ ਮੌਤ ਸਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੁਆ ਪਈ ਮੰਗਲੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਅਗਰ ਦੀਨ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਫਿਕਰ ਜਾਫਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ? ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਦੀਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਬਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋਵਾਂ, ਇਸੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਰੁਲ ਗਏ, ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦਹੀਆਂ ਵੀ ਰੁਲ ਗਏ। ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਰਬਲਾ। ਜੰਗ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੁਰਮ ਹੈ? ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਚੰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮੌਤੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ 57 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਤਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਚੰਦ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਨੇ ਜੀ ਅਮਦਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਨੇ। ਵਿਰਾਹ ਭੈਣ ਵੇਖੇਗੀ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਵਾਰਸ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੇਗੀ, ਮਰ ਜਾਣਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਆਪੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੈਨ ਦੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੈਨ ਪੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਠਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਠ ਗਈਆਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਸੂਮਤ ਦੀ ਬੈਠੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ, ਸਾਂਗ ਮਜ਼ਲੂਮੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਲੀ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਂਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਾਸੂਮਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ। ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਆਈ ਨਾ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਮਾਸੂਮਾ ਜੀ ਸੱਜਾ, ਫਰਮਾ ਟੁੱਲ ਟੱਲੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਫਰਮਾ ਸ਼ਾਮ, ਠੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਓ ਸ਼ਾਮ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਸੂਮਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਧੀ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬੇਗੋਰੂ ਕਫਨ ਪਾਉਂਦਾ? ਇੰਨੇ ਸਜਾਦ ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੁਣਾ ਜੀ, ਮਾਸੂਮਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਰਤ ਰੁਆ ਗਏ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਫਨਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਸੂਮਾਨਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਪਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਜਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦਫਨਾ ਦੇਣ, ਐਡਾ ਡਾਡਾ ਰੁਣਾ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਮਾਸੂਮਾ ਕੀ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
मैं हुज्जत खुदा का पुत्र हाँ, मैं इतमाम हुज्जत की 7 बारी मैं उमर इबन साद नूं आख्या, मैं क्या लईना मैन ते मेरे वाकर नूं आख असीं बहुत जल्दी इक्को ही वड्डी कबर बनाने हाँ, सारियां लाशां मुश्तरका दफना देने, असीं अलहद अलहदा कबर नहीं बनाते। उस आख्या नहीं वक्त कोई नहीं। फिर मैं दूजा जुमला आख्या, मैं क्या भैन मैं उन्होंने आख्या जिथे साढ़े तो तेन यकीन नहीं, जिथे अपनिया दफनाइया नहीं साड़िया भी दफना, शिया बंदा वो हाय निकलेगी क्यों नहीं हाय निकलेगी, जिसलिए आख्या ना मैं आख्या जिथे अपनिया नहीं साड़िया भी दफना, तो ढाई मार के रोने रो क्या देने मासूमा पता ही उस मैंने की आख्या है की आख्या ने, जिगर ते हथ रख क्या देने ताना मैन दे क्या दे, चलो चुप कर लाशां दफनाई दया ने मुसलमाना दया, अम्मा दी जाई हो सन मुसलमान नहीं समझते, वादे ने बागी हो गए। फरमाए फिर सज्जाद ठीक है मैं दफना के आ जाऊंगी, फरमाए मैं नहीं दफनान देंदे तू कि दें, फरमाए जिम्मे अबू जर साहबी रसूल दी धी प्यो दफनाया मैं भी दफनावांगी, कदी ने छड़ी अली वली उल्ला, जनाब अबू जर गफारी दा जुर्म अली दी विलायत हरामी है शाम इन रबजा दे सहराज मुलक बदर कर दिता, पारा ला दिता, कोई ना कोई शायद खाण पीण की नहीं देनी, आपे भुखे मरण गए छड़ देंगे अली वली, छोटी जी बच्ची नाल नरम नरम पत्ते खाते आंखे, मैं खुद बेच गया था बाबू कसम खुदा दी नरम नरम पत्ते तोड़ के फिर उन्होंने चो दो हिस्से करने, जेडे ज्यादा नरम आन वह बच्ची ने दे देने, जो थोड़े सख्त अनाब खाते हैं, फिर जिगर फट गया कोई जहरीली जड़ी बूटी खा ली, खून दियाँ उल्टियाँ शुरू हो गई, 4 साल की बच्ची होवे रख अपनी धी नूं ज़हन नहीं तेरे हाय क्यों नहीं निकल, कदी पियो दियाँ तलियाँ मले कदी हथ मले, बाबा बाबा मेरे वाल वेखो, बाबा अखा खोलो तुहाड़ियां अखा बंद हो रही, बाबा की बन गया, बाबा मेरे नाल इंज नहीं करना, जंगल भी अबान है मेरा कोई नहीं, बाबा इक्को ही गल करदे हन, फरमाए जी की विलायत पिछे असीं पे रुलने ना साडा वारस मौजूद है बेटा, अकीदा मजबूत रखी मेरा बेटा मेरे बाद अली वलीउल्लाह ना छोड़ी, धी देवेदियां नौतक आलिया मुक गया प्यो, ये फिर बच्ची पक हो गया मेरा बाबा मर गया, दौड़ के बाहर चुरस्ते चा बैठी काफला जा रहे, बोली उन्हें सुनिया कोई ना, अखीर बच्ची ने अपनी चादर लहाई इंजन करके हिला, एक घोड़े सवार वेख लिया, उसका रुको ऐ लगता है इंसान का बच्चा है, तो दौड़ा के घोड़ा वापस आया, मैं वेखा अगे बच्ची छोटी चादर मकना उसे इंज काबू करके पकड़ी, जिसम पे अखा बधाए चेहरा जर दे अखा पसदियाँ, खड़े खलोते उस घोड़े सवार घोड़े की जीन ते बह के पूछे मानन ते या सभी हो, बच्ची तू कौन है, जी मैं मुसलमान हाँ, मुसलमान है इतने भी करनी है, जी मेरा बाबा मर गया, कौन है तेरा बाबा, जी मैं साहबी रसूल अबू जर दी धी हाँ, छाल मार के थले लथा ते सद मार के आदा ओ सारे वापस आ जाओ साहबी दी धी जे, नौतक आलिया ना रल के अबू जर दी कबर बनाई, बच्ची नु महफूज मकाम ते पहुंचाया, रोंदी है 4 साल की मासूमा रो के आदि सजाद ओ दफना लैंदी है मैं ते हुसैन दी धी हाँ ना, मैं भी चौरस्ते ते जा बांगी कोई ते पुछेगा ना कौन है, मरहबा मरहबा मरहबा, उसले रोंदियां ते रो के आदे ना सहाबियां दियां दियां दा एहतराम है, नबियां दियां दियां दा कोई नहीं, ए फिर बच्ची उत्थों औखी उठाई सारे रस्ते फिर इक्को ही वैन कर दी, पता नहीं मेरे बाबे नूं किसे दफनाया या कोई, इत्थों निखड़ी मासूमा ते जिंदाने शाम विच आ गई, अरश खुदा दा हल दई शाम हल दी आई, मुकावा मैं अपने हिस्से दा एक वैन करा, महसूस हो रहा है मैं लंबा पड़ गया जी, सर मजलूम में करबला दा इन्हें सजाद नूं दित्ता, उन्हें आख्या जी इंज मरदी है तो लै जा, इन्हें धी की मुहब्बत वास्ते नहीं टोरिया, धी दे कतल वास्ते टोरिया, उन्हें आख्या सी खलोते हैं बार जिंदान च सिवाय मासूमा दे सर नूं कोई ना चाहे, वरना ताजियाने साढ़े कोल ने हाल ओ ही करांगे जिहड़ा शामे गरीबां ली रात हो, फरमाया वादा होया कोई नहीं चाहे, कड़ियां ली रेहल उते कुरान नातक नूं चाह के दर्दां दा कुरान जिंदा ने शाम च आए, बहुत सोहना इतमाम है, कल इन्होंने तले उत्ते शामियाने ने पखे चल रहे ने लंगर पक रहा है, थक जाओ तो बहर उठ के जाना है, हालांकि 8-9 घंटे मजलस रहेगी, तो इतना इंतजाम है शब्बीर दे मेहमान बैन मौसमी असवरा तू महफूज रहा, लिया कुरान रख मेरे सर ते जिथे साल बतूल दियाँ दियाँ कैद रही ने थले कालीन कोई नहीं उत्ते छत कोई
ਉਥੋਂ ਸੈਯਦੋ ਸਾਜਦੀਨ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੁਸਾਫਰੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਲੀਆਂ ਟੇਕ ਉੱਠਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋ, ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਵੀ ਉੱਠੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਵਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੁਨੇ, ਰੋ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਏ ਸਿਵਾਏ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹੱਥਲੇ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਏ ਮਾਸੂਮ ਮਲ ਵੇਖਿਆ, ਧੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿਵੇਂ। ਬਾਬਾ ਆਦਾ ਕੀ ਦੋ ਜਾਂ ਤਰੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੈਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਲਕ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੇਖਾਂ, ਨਿਖੜੀ ਧੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿਵੇਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਆਦਾ ਕੀ ਸ਼ੀਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸਰਚਾ ਕੇ ਸਜਾ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਕਰੀਬ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਏ, ਪਹਿਲੇ ਖਲੋਤੀ ਆਈ ਹੁਣ ਜਣ ਪਈ ਏ। ਸੈਯਦੋ ਸਾਜਦੀਨ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ, ਉੱਠ ਨਾ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ, ਸਿਵਾਏ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ। ਰੋ ਕਿਆ ਦੀਏ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਜਾਦ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਲਹਾਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਮਾਵਾਂ। ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਏ, ਸ਼ਬੇਰ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਸਰ ਸਜਾਦ ਬਹਿਣ ਦੇ ਰੱਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਏ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਸੂਮ ਵੇਖਿਆ, ਨੌ ਤੱਕ ਆਲਿਆ, ਸੱਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਖੱਬੇ ਆਉਣ, ਖੱਬੇ ਦੀਆਂ ਸੱਜੇ ਆਉਣ, ਦਾੜੀ ਤੇਰਾ ਤਰੇ ਤੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇ ਲੱਭ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਅਰਜ ਹਲ ਗਏ ਤੋ ਤੇ ਵਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਏ, ਮੁਹਿੱਬੇ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸੇ। ਪਹਿਲਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦੀਏ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾਵਣ ਵਾਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਅੱਜ ਧੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵੇਖ, ਉਹ ਜਬਰੀਲ ਦੇ ਪਰਾ ਤੇ ਸੰਮਣ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਵੇਖ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀਏ ਧੀ ਰੁਲ ਗਈ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋ ਕਿਤਨੇ ਸ਼ੀਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਹਿਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਮੇਰਾ ਸੁਣੀ ਭਾਈ, ਤੈਨ ਅੱਜ ਰੋਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਵੇਂ ਨਾ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਰੋਵੇਂ ਨਾ ਸੇ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦਨ ਪਿਓ ਥੱਕ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਧੀ ਭੱਜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਚੋਖਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ, ਭੱਜਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਆਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਮਾਰਿਆ। ਤਿੰਨ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੱਚੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ, ਫਿਰ ਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੱਚੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚੀ ਵਾਲਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਢੇਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਧੀ ਪਿਓ ਦਾ ਸਰ ਵੇਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀਏ, ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ, ਸ਼ਿਮਰ ਮੈਨੂੰ ਤਮਾਚੇ ਮਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਜਾਇਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਨ ਪਲਾਣ ਉੱਠਾ ਤੇ ਬਹਾਇਆ ਨੇ, ਸਈਆ ਦਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾ, ਰੋ ਕਿਆ ਦੀਏ, ਬਾਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਏ, ਦੁੱਖ ਢੇਰ ਨੇ, ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲੈ, ਕੁਝ ਵੇਖ ਲੈ, ਸਈਆ ਦਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਈਆ ਦੀਏ, ਰੁਖ ਸਾਰ ਗਵਾਹ ਨਦੀ ਤੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ